फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, फेसबुक पे हमारा पेज है एहसास हमारे, उसे ज़रूर लाइक करिएगा। और एक ज़रूरी बात, आप में से किसी को भी किचन अप्लाइंसेस या होम अप्लाइंसेस में कोई भी प्रोडक्ट चाहिए और वो भी डिस्काउंट पर, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें फ्रेंड्स आज की रेसिपी। आज बना रहे हैं रसीदार कुंदरू, यानी कि ग्रेवी वाला। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस कुंदरू को जो ऊपर का पार्ट्स होता है और नीचे का मैंने निकाल दिया है। इसके बाद इसके चार पार्ट्स कर लिए, जैसे आप आलू के पीसेस करते हैं ना, तो इसको हमने लंबाई में चार पीसेस कर लिया है। फिर हमने भगोने में तेल गर्म करने के लिए रखा है। फ्रेंड्स, इस मसालों में मैंने क्या किया है, एक चम्मच नमक लिया है, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्ची, एक चम्मच धनिया, आधी चम्मच गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच से कम है। सो फ्रेंड्स, इसे आप जो है प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर उसमें ये मसाले मिक्स कर सकते हैं। अगर प्याज लहसुन आप नहीं खाते हैं तो सिंपल ये मसाले डाल लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए पहले इस तरह से। इसके बाद इसे ढक के धीमी आंच पर पका लीजिए। फ्रेंड्स, ये मसाला पका या नहीं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। देखिए आप, इसमें तेल भी बाहर आ चुका है। सो इसी पोजीशन पे हम ये कुंदरू डाल के इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर मीडियम आंच पे इसे पका लेंगे। लो टू मीडियम पे ही सब्जी को हमें पकाना है। फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को कढ़ाई में भी बना सकते हैं और इस भगोने में भी, और इसमें जब आप रसा लगाएंगे तो बहुत ही थोड़ा सा पानी लगाइए ताकि जो रसा हो इसका वो गाढ़ा हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुंदरू की ग्रेवी वाली सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे रोटी या पराठी, पूड़ी, जिससे भी मन करे आप खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे की लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी कभी हम नया वीडियो डालते हैं तो आपको वो वीडियो सबसे पहले पहुंचता है। थैंक यू फ्रेंड्स।